दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नई ब्लॉग में। दिन की शुरुआत हो चुकी है, बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और क्योंकि शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है, गिरीश के ब्लॉग में आपने देख लिया होगा ऑलरेडी कि मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ मेडिटेशन कैंप के लिए। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स के साथ मैं जा रही हूँ। 10 दिन गिरीश से अलग रहूँगी और एकदम बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहता है। तो ऐसा है कि जब से पटियाला से आए हैं, एक ही दिन हुआ है वैसे आए हुए, तो हमने बैग भी अनपैक नहीं किए थे क्योंकि फटाफट आके हम सुबह उठ के जॉब पे चले गए थे। तो हम बैग अनपैक नहीं कर पाए थे, धोने वाले कपड़े निकालने और फिर से बैग पैक करना है जाने के लिए। तो अभी ये देखो, मैंने ऐसा सारा खलारा मचा रखा है बेड पे। तो मैं कर रही हूँ अपनी अलमीरा की साफ सफाई। ये देखो, सारे कपड़े निकाल रखे हैं यहाँ से बाहर और अभी सारे कपड़े सेट करके दोबारा से पैकिंग करने लगी हूँ। गिरीश गए हुए हैं नोबिता को घुमाने बाहर और आज गिरीश ने भी रेस्ट किया है। वो भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इतने दिनों से बहुत हेक्टिक हो रहा था, तो आज उन्होंने भी रेस्ट किया अच्छे से। हम आराम से उठे हैं, तो दोपहर के आसपास हमने निकलना है। तो अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग। देखो, पतिदेव आ गए नोबिता को घुमा के और ये ना नोबिता को हड्डी देना भूल गए और नोबिता वहीं खड़ा है। मैं अपने हाथ धोने आया हूँ, उसके चित्र साफ किए। चित्र साफ किए पहले, बहुत जरूरी है। और नोबिता ये देखो, ये यहाँ से हिलेगा ही नहीं जब तक इसको हड्डी नहीं मिलेगी ना, नहीं यही खड़ा रहेगा। क्या चाहिए बेटा? हड्डी चाहिए? हड्डी रहनी है? देखिए, ये है नोबिता की फेवरेट वाली स्नैक जो नोबिता मर मर के मांगता है कि मेरे को दे दो बस। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। यहाँ पे देखो, प्रभ ने पूरा खिलारा डाल दिया पूरे बेड पे। क्या कर रही है? उठा दिया मैंने कितना है। हाँ। और नोबिता आराम से सोया है, इसको कोई लेना देना नहीं है। क्या ये मेरा बैग क्यों खोल रहे हो? इसमें लेके जाने कपड़े? नहीं, अनपैक नहीं करना, धोने वाले कपड़े निकाल दूं। धोने वाला कोई है ही नहीं। मुझे पता है, मैं जैसे छोड़ के जाऊंगी ये वैसे ही पड़ा रहेगा। करना ही पड़ेगा इसको सेट। धोने वाले कपड़े। निकालो पे निकालो, पोथी निकालो। शाबाश। मैं आपकी पोथी हूँ? हाँ, पुत नहीं मेरा। पुत ही पोथी होता है। पुथी नहीं, पोथी। पोथी खा पे खा। कर पे कर, है काम कर बेटा। ये खिलारा समेटा नहीं है, बाहर जाके खाना खाने लग गई है। देख लो, आराम से मजे से। और रात के जो ये फ्रूट वगैरह पड़े थे, ये भी ऐसे ही पड़े हैं। हाँ जी मैडम जी, हैं? भूख लगी थी। खाओ पे खाओ, शाबाश। अरे अरे अरे, नोबिता के नानू पापा आए हैं। सत श्री अकाल। क्या हाल है? ठीक है। पापा गोरे गोरे हो गए पहले से। हाँ। खूबसूरती का राज बताओ क्या है। मैं क्या गोरे गोरे हो गए पापा? खूबसूरती का राज बताओ क्या है? हैं? कोठे ते रहन दी खूबसूरती है। की रंग पीला हो गया साफ। ओहो, पीला हो गया रंग। अरे चाय पानी? हाँ कदो नू। आजो आजो थल्ले रख के फ्रेश हो के। आए है मम्मी, खुशियां चढ़ रही हैं। हाँ। मैं क्या सी की फिर नहीं मिली होना। हाँ। तेरे नाल मैं हूँ, दस्या मैं क्या मिल जाना मिल रही हूँ मेरे। ठीक है। और ठीक है। नानू पापा आ गए। नानू पापा आ गए। नानू पापा। बो बो बो। बाहर ना मोती आया हुआ है सीमा आंटी के घर, तो इसको गुस्सा आ रहा है कि सीमा आंटी के घर वो क्यों आया है।
दोस्तों हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो सबको हो रही है और इसी हेयर फॉल से परेशान होकर मैंने मंगवाया है मामा अर्थ का अनियन शैम्पू और कंडीशनर जो है विद प्लांट कैरेटिन। दोस्तों ये है मामा अर्थ का अनियन शैम्पू जो है बिल्कुल सल्फेट फ्री, जो जेंटली हमारे बालों को क्लीन करता है, नरिश करता है और हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। और ये है मामा अर्थ का अनियन कंडीशनर जो है बिल्कुल सिलिकॉन फ्री कंडीशनर जो हमारे बालों को सॉफ्ट और स्मूथ लुक देता है। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हार्मफुल केमिकल से फ्री और ऑल नेचुरल होते हैं। जब कभी भी आप मामा अर्थ से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो ये आपके ऑर्डर को एक पौधे के साथ लिंक करते हैं और इनका टारगेट है 2025 तक 1 मिलियन पौधे लगाने का। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव और इंडियन ब्रांड है। मामा अर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दी है, अच्छी सेल्स और ऑफर के लिए आप उनकी ऐप भी विजिट कर सकते। ये देखो दोस्तों ये टेक्सचर में कितना प्यारा शैम्पू है और ये बिल्कुल सल्फेट फ्री है। इसको यूज करने से पहले मेरे बाल बहुत रफ थे, जब से मैं ये शैम्पू यूज कर रही हूँ मेरे बाल बहुत ही स्मूथ हो गए। मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको मामा अर्थ की वेबसाइट पे, मामा अर्थ की ऐप पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका और पर्पल पे भी मिल जाएंगे। ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ साथ मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफलाइन नियर बाय स्टोर्स में भी अवेलेबल हैं। अगर आपने अपने किसी भी नियर बाय स्टोर में मामा अर्थ के प्रोडक्ट देखे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 20% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो PRABK2024। जाते जाते मम्मी ने थोड़े से अंगूर दिए थे डिब्बे में डाल के कि खाते खाते चले जाना, तो अंगूर खाते खाते हम निकल गए घर से। तो कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा अजीब लग रहा है कि इतने दिन मैं कैसे निकालूंगा, मेरे कपड़े कौन मैचिंग करके देगा मेरे को। पर कोई नहीं, वो जरूरी है जाना। पहचान लिया था आपको, मतलब है ना? मम्मी कह रहे थे उदास लग रहा है, गिरीश बात नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा ज्यादा, ससुराल में रहोगे अकेले 10 दिन है। रोना देखो कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। रोते रोते अंगूर खाया जा रहा है। कैसे लग रहे अंगूर? अंगूर खट्टे हैं। नारियल पानी पीते पीते हम जा रहे हैं। आप पियोगे? अभी जाते जाते याद आया कि गाड़ी का पॉल्यूशन भी खत्म हो गया, तो हम यहाँ पॉल्यूशन चेक सेंटर पे रुके हैं रास्ते में, और साथ में अपना प्रिंट भी हम यहीं से ले रहे हैं। जुगाड़ प्रिंट, मतलब वहाँ पे एक फॉर्म चाहिए होता है हमारा जो हमने अप्लाई किया होता है। बताओ आप 10 दिन क्या करने वाले हो मेरे बिना? 10 दिन? हाँ। मैं मजे करने वाला हूँ बहुत ज्यादा वाले। क्या मजे करोगे? देखो मैं चॉकलेट डे मनाऊंगा, हग डे मनाऊंगा। हग डे मनाऊंगा? कहाँ हगोगे? वैलेंटाइन डे मनाऊंगा। किसके साथ? कोई ना कोई ढूंढ ही लूंगा भाई मैं, है ना भी। अच्छा जी, पूरे मजे करूंगा। क्या मजे करोगे वही तो पूछ रही हूँ। बताता रहो, रिलैक्स रहूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, रात को नाइट आउट किया करूंगा। अच्छा, जैसे मैं करती हूँ आपके जाने के बाद। आप तो क्या ही करते हो, गरीबों की तरह घर में पड़े रहते हो। मैं तो क्लबों में जाऊंगा, नाचूंगा। आजादी मिली है 10 दिन, मेरी बीवी 10 दिन के लिए चली गई। इतने मजे करूंगा मैं, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बाकी सब व्लॉग वाले देखेंगे मैं जो मजे करूंगा। मेरे को ऐसा लगता है जैसे ही आप आओगे सबसे पहले व्लॉग ही चेक करोगे कि इसने क्या क्या किया। 10 दिन क्या क्या किया इसने, कहाँ कहाँ गया, किस किस को मिला, ऐसा करोगे? नहीं। तो क्या सोचोगे मेरे बारे में, मैं क्या कर रहा हूँ? आप क्या कर रहे होगे? मेरे को पता आप मेरे को मिस कर रहे होगे रोज। तो फिर जब आप मेडिटेशन करके उठोगे फिर आप मुझे मिस करोगे। अच्छा। फिर जब आप रेडी होने लगोगे फिर आप मुझे मिस करोगे। और फिर जब आप नाश्ता करोगे फिर मुझे मिस करोगे। फिर ये ख्याल अच्छा है। फिर जब एलपी जाओगे अपने मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है।
मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। पर ये है कि आपका दिन वहाँ आराम से निकल जाएगा इधर उधर अपना काम करते हुए, पर जाते हुए आते हुए फिर से मुझे मिस करोगे, फिर घर आके फिर मुझे मिस करोगे। नहीं, मैं थका इतना होऊंगा, मैं सोऊंगा बस, और मेरी आधी हेडेक तो खत्म हो जाएगी। कौन सी हेडेक खत्म हो जाएगी आपकी? कपड़े कौन से पहने? कपड़े 1.5 घंटा से इसी में चले जाता मैं। कपड़े कौन? बताओ बताओ बताओ, ये आप खुद बताएंगे, मुझे पूछी जाएंगे कौन पहनेगा, ये पहनोगे इसके साथ, ये पहनो, ये कर लो, वो कर लो। और इनका क्या है, ये आएंगे पैंट उतारेंगे, कच्चे में बैठ जाएंगे, फोन चलाएंगे, रील चलाएंगे। ये नहीं कि मैं कपड़े बदल लूं पहले पूरे, फिर उसके बाद पैजामा पहनेंगे, फिर फोन चलाएंगे, फिर 10-15 मिनट बाद फिर अपना स्वेटर उतारेंगे, फिर फोन चलाएंगे, फिर 10-15 मिनट बाद याद आएगा कि मैंने कपड़े पहनने भी है, फिर कपड़े पहनेंगे, फिर फोन चलाएंगे। ये सब वहम है आपका? कोई वहम नहीं है, वीडियो बना के सबूत दे दूंगी, देखना। 10 दिन में वो मजे करूंगा, अच्छे से रहूंगा। 10 के भी 12 दिन ही हो गए, बस अच्छे से रहना, मजे करना है ना, और अपना ध्यान भी रखना। बाकी आप देखना आके क्या क्या करूंगा मैं, और बाकी सभी देखेंगे मैं क्या क्या करूंगा। इनके ये प्रिंट आउट भी निकलवा लिया है हमने। हाँ, जुगाड़ जो बोला था आपको, जुगाड़ लगाया हमने पोल्यूशन चेक सेंटर पे, वहाँ पे पोल्यूशन भी करवा लिया हमने गाड़ी का, साथ साथ ये भी करवा लिया बिल्कुल एकदम। उसने 1 रुपया भी नहीं लिया प्रभु इसका, पता इसका? हाँ, कितने डिसेंट लोग होते हैं कई जगह, कई लोग होते हैं नजायज ही, मतलब लूटने भी लगे रहते हैं, उनको लगे कि मौका मिल जाए बस। एक इतने से प्रिंट का ही वो 10-20 रुपए ले लेते हैं। उस दिन 40 रुपए ले लिया उसने। हाँ, 40 रुपए मांग लिए सिर्फ एक प्रिंट खड़े पैर लगाने का, बस की जरूरत होगी इनको। तो अच्छे लोग हैं हर जगह, बुरे लोग नहीं है हर जगह, यही है बस। मैडम को भेजने का एक रीजन भी यही है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा नाइस है, मगर और चीजें जैसे कई बार ये अपने माइंड पे ले लेती हैं, तो लोगों की बातें या सोच लेती हैं वो ऐसा कर रहा है या वो ऐसा, उन चीज़ों को बहुत ओवरकम हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगी अगर वो ध्यान से अपना वहाँ पे सीखेंगे मेडिटेशन को, तो बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और फिर हम दोनों एक साथ में बैठ के मेडिटेशन किया करेंगे, यही मेरा एक बड़ा ड्रीम टाइप है, ये मैंने कब से बोला हुआ है इनको कि जब आप भी सीख जाओगे तो हम एक साथ बैठ के मेडिटेट किया करेंगे, और पूरे नेचर को पूरे यूनिवर्स को अपनी ओर से प्यार की तरंगे भेजेंगे कि सबका भला हो। तो ऐसा मेरा एक शुरू से था मोटिव, और अगर ये करके आ जाएंगे तो ठीक है, फिर अच्छा करेंगे हम ऐसे ही टाइम निकाला करेंगे, फिर हमारा बेबी भी तरंगों में ही होके आएगा। हमारा छोटा सा बेबी भी बैठा करेगा, छोटा से बेबी को भी मैंने बिठा देना ऐसे पैर मोड़ मोड़ के। ख्याल रखना अपना है, अब भी ख्याल रखना, मोटिवेटर रहना 24 घंटे। ओके, बाकी तो आपने मेरे व्लॉग में देख ही लिया होगा, और मैं घर पहुंच गया, बीमार भी हूँ, गला भी ख़राब है और बुखार सा भी लग रहा है, 2 घंटे 2.5 घंटे सोया भी अभी मैं, और प्रभ वहाँ पे पता नहीं क्या कर रही होगी, मेरे ख्याल में आई जा रहा है पता नहीं अभी वो, उनका दिल मेरे को उनका ना दिल कहीं भी, इवन के अगर वो वहाँ से हफ्ते बाद इधर आएँ, इधर नींद नहीं आती उनको, इधर से हफ्ते बाद उधर जाएँ तो उधर नींद नहीं आती उनको, उनको बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी जगह पर एडजस्ट होने में उनको टाइम लगता है, तो होप सो वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रभ का ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, पता नहीं कब बनाएगी प्रभ।